हेलो, ये लेक्चर हमारा है व्हाई डेटाबेसेस। कि अब हम डेटाबेस पे काम क्यों करेंगे, है ना। तो मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको एक सबसे सिंपल सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन बताया था। उस सीरियल और फाइल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने एमएस वर्ड सिस्टम में ओपन किया और स्टूडेंट का सीरियल नंबर लिखा, स्टूडेंट का नाम लिखा, नेक्स्ट सीरियल नंबर 2 डाला, फिर स्टूडेंट का नाम लिखा। मैंने स्टूडेंट्स के नाम इस तरह से एंटर किए, द वे स्टूडेंट्स आर अराइविंग। सपोज हम 50 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने 1 to 15 का सीरियल नंबर डाला, उनके नाम लिखे। इसमें आपने ये मैंने उस समय भी आपको बता दिया था, सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपलेस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें मेरे पास में रिकॉर्ड का बिल्कुल शेयरिंग पे मैंने ध्यान सॉरी रिकॉर्ड के शॉर्टिंग पे मैंने ध्यान नहीं था, मैंने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया था। सिर्फ मैंने सीरियल नंबर लिखना शुरू किया और स्टूडेंट जिस तरह से आता है उसका मैंने नेम लिखना शुरू किया था। और फिर जब मैंने आपको एक लेक्चर दिया था डेटाबेस एज इंटीग्रेटेड एंड शेयर्ड, तो इस समय मैंने एक डेटाबेस के बारे में एक डेफिनेशन इस तरह से बोली थी, डेटाबेस इज रिपोजिटरी फॉर स्टोर्ड डेटा। यहाँ रिपोजिटरी से मैंने आपको बताया था कि ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा अगर मेरे पास में स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, उसको डेटाबेस बोलते हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल फाइल्स डेटाबेसेस से किस तरह से डिफरेंट हैं। जो मैंने ऊपर यहाँ लिखा भी है कि हाउ डेटाबेस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइल्स, या डेटाबेस या ट्रेडिशनल फाइल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं डेटाबेसेस के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं ट्रेडिशनल फाइल्स के। तो जब मैंने इंटीग्रेटेड शेयरिंग बताई थी तो मैंने उस समय एक टर्म उस समय भी इंट्रोड्यूस की थी, वो टर्म मैंने इंट्रोड्यूस की थी रेडंडेंसी। और रेडंडेंसी इंट्रोड्यूस करते समय मैंने ये बोला था रेडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड पार्शियली और फुल्ली। तो रेडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ डेटा, रिपीटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो उसका रिपीटेशन हम एलिमिनेट करते हैं, वो पूरी तरह से भी एलिमिनेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ द डेटा, ठीक है। और इसका एलिमिनेशन पार्शियल भी, अगर हम पार्शियल एलिमिनेशन हम फुल्ली एलिमिनेट तो बहुत बड़ा, जो अगर आपके पास में डेटाबेस है जैसे अगर रेलवे रिजर्वेशन है या आपके पास में एयरलाइन है, तो इनमें डेटा क्या होगा आपके पास, फुल्ली इनमें डेटा का रेडंडेंसी फुल्ली एलिमिनेट नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको ये बता रही थी कि भाई ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं आपके पास में डेटाबेसेस के। तो एक एडवांटेज हम देखते हैं कि इसके केस में अगर हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड। फुल एलिमिनेशन की मैं यहाँ पर भी बात कर रही नहीं हूँ। जो आपके पास में नॉन डेटाबेस सिस्टम होते हैं तो उन नॉन डेटाबेस सिस्टम में हर एक एप्लीकेशन का उसका अपनी ही फाइल्स होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर हमारे पास में कोई पर्सनल एप्लीकेशन है और दूसरा हमारे पास में कोई एजुकेशन रिकॉर्ड एप्लीकेशंस हैं, दोनों में क्या होगी, इन दोनों में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों में ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। लेकिन यहाँ पे क्या, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसमें हमारे पास में अगर ये जो डिपार्टमेंट से रिलेवेंट जो डेटा है इस पर्सनल एप्लीकेशन में भी और एजुकेशन एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स में भी, वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिपीट हो रहा है, तो अगर कोई चेंज डिपार्टमेंट में होता है तो वो चेंज जो होना होगा वो पर्सनल एप्लीकेशंस में भी होना चाहिए और एजुकेशन रिकॉर्ड एप्लीकेशंस में भी होना चाहिए। पर पॉसिबल है कि उसका जो रिफ्लेक्ट हुआ चेंज वो सिर्फ पर्सनल एप्लीकेशन में हुआ और आपके पास पे एजुकेशन रिकॉर्ड एप्लीकेशन में नहीं हुआ। तो जब वो एजुकेशन रिकॉर्ड एप्लीकेशन में वो चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में डेटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस। और इनकंसिस्टेंट डेटा किस कारण हुआ, डेटा की इनकंसिस्टेंसी आई डेटा की रिडंडेंसी से। जब डेटा रिपीट हो रहा है तो इसके केस इससे हमारे पास में क्या हुआ है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर हम डेटाबेसेस की बात करते हैं तो मैं डेटाबेसेस में आपको बताया था डेटाबेसेस वेरियस यूजर्स, और डेटाबेस में यूजर्स के बारे में मैंने एक डेटाबेस का यूज़र बताया डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि अगर डीबीए अवेयर होगा कि डेटा कहाँ का रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर इन दोनों फाइल में डेटा रिपीट हो रहा है, अगर डेटा डीबीए इस बात को पूरी तरह से जानता है तो वो क्या करेगा, अननेसेसरी जो भी रिडंडेंसी है उसको ख़त्म करता चला जाएगा और उसको पता भी होगा कि ये डेटा यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब अपडेशन होगा
तो उस समय भी उसकी इनकंसिस्टेंसी को वो अवॉइड कर सकता है. टू सर्टेन एक्सटेंट इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड वाइल मेंटेनिंग द डेटाबेसिस. और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आगे इसके आगे लिखा एटोमिसिटी प्रॉब्लम्स, ये एटोमिसिटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ये मैं आगे आपको डेटा शेयरिंग स्टैंडर्ड्स कैन बी एनफोर्स्ड, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में.